बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज कांग्रेस का प्रदर्शन है और वो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री निवास से साइकिल पर मंत्रालय तब कच्चे तेल का $140 प्रति बैरल था और पेट्रोल का भाव लगभग ₹50 प्रति लीटर था, डीजल का भाव ₹40-42 था और उन्होंने पूरे देश में भाजपा ने प्रदर्शन किया था। आज अब कच्चा तेल $40 प्रति बैरल है, तब डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया, ₹80 लीटर डीजल हो गया है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 80 पार हो चुकी है। हम दो मांगे रखते हैं शिवराज चौहान जी के सामने। पहली मांग ये है कि अगर वो जनता का हित देखते हैं, अगर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिशोध के रूप में वे साइकिल पर बैठकर गए थे केंद्र सरकार के खिलाफ, तो उनमें अगर हिम्मत है, अगर साहस है, तो मोदी शाह सरकार, भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ हमारे साथ साइकिल पर चले, हम उनके साथ मंत्रालय जाने के लिए तैयार हैं। और यदि नहीं जाएंगे तो ये नाटक नौटंकी करने वाले शिवराज चौहान, हम आपको कह देते हैं कि प्रदेश की जनता आपकी नाटक नौटंकी समझ चुकी है और यदि आप वाकई में परेशान हैं तो हमारे साथ आइए, जनता का साथ दीजिए। आज जब जनता कोरोना से के संकट में त्रस्त है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग भूखों मर रहे हैं और लगातार 18वें दिन केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पूरे देश में, जैसा मोदी जी कहते हैं, आपदा में अवसर, उनके लिए कोरोना आपदा में अवसर है पैसा कमाने के लिए। पेट्रोल डीजल महंगा, पीपीई खरीदने में, ग्लव्स खरीदने में भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम मांग करते हैं शिवराज सिंह चौहान से कि लोगों की जेब से पैसा निकालने के बजाय लोगों की जेब में पैसा डालो। जो कच्चा तेल बैंक सस्ता हो गया है उसका पूरा लाभ दो, इन्हें सेंट्रल एक्साइज कम करना चाहिए। जब से मोदी जी आए हैं ₹34 ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगने लगी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, डीजल और पेट्रोल पर। इन सब बातों के लिए हम आज यहां से रोशनपुरा चौराहा से लेकर मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान तक जाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि हमें मिलने का मौका दें, अगर सब नहीं मिल सकते हैं तो 10 लोगों के लिए हमें समय दें। तो उनके दफ्तर से मुझे बताया गया है कि 11 से 1 बजे तक वो कलेक्टर एसपी से के साथ चर्चा कर रहे हैं। अरे श्रीमान, जब चर्चा कर रहे हो तो इतना बता देना कि जो हर रोज पेट्रोल डीजल के स्टॉक पर पेट्रोल ओनर्स के, पेट्रोल पंप ओनर्स को जो मुनाफा हो रहा है उसको तो रोको। हर रोज 1 लीटर पर अगर आप देखेंगे पिछले 18 दिन में 1 लीटर पर जितना मुनाफा हुआ है, अगर 1000 लीटर या 10000 लीटर किसी के पास स्टॉक है तो आप समझ लीजिए कितना फायदा इन पेट्रोल पंप डीलर्स को होगा। कम से कम वो तो आप कम करा दीजिए कि पुराने भाव में बेचो, वो नहीं करेंगे क्योंकि मामा को ये चाहिए। अवैध रेत खनन का बादशाह शिवराज सिंह चौहान। चलो थैंक यू।
तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को, जिनका कहना है कि दोहरी राजनीति कर रही है बीजेपी और साथ ही पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय भी मांगा गया है। हालांकि मुलाकात होती है या फिर नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर प्रदर्शन की तैयारी शुरू शुरू पर है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की भी तैयारी काफी चाक चौबंद देखी जा रही है, और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी आज तैनात किया गया है। तो बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर ये प्रदर्शन सीएम हाउस तक जाएगा, जिसके बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने समय की मांग की है। और विपक्ष लगातार बढ़ते दामों को लेकर विरोध कर रहा है और साथ ही दिग्विजय सिंह ने आपदा में अफसर की एक नई परिभाषा भी दी है। और इसी पर सारी जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दुर्गेश गुप्ता लाइव जुड़ गया है। दुर्गेश, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है? तस्वीरों में देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है। बिल्कुल गुसरा, मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पर उतर आ रही है और यहां पर दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में साइकिल से सीएम आवास तक जाएंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता साइकिल से यहां से यात्रा करेंगे और यहां पर स्पष्ट तौर से इन्होंने बैनर भी लगा रखा है कि देखो ये मोदी का खेल, 88 रुपए हो गया तेल। तो इस तरीके से जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वह रोशनपुरा चौराहे से सीएम आवास तक जाएंगे। उनके साथ में जिला अध्यक्ष जो कैलाश मिश्रा वह भी उनके साथ में मौजूद है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार यहां पर दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली जा रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है और कांग्रेस पार्टी का दावा आरोप है कि पिछले 17 दिनों सबसे कम दर तक पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे हैं और करीब 10 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। लगातार जिस तरीके से मौजूदा सरकार से पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं पर मौजूदा सरकार से सरकार को ज्ञापन देने जा रहे हैं दिग्विजय सिंह की। लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने से प्रदेश की जनता को चौतरफा मार झेलनी पड़ती है। चाहे वह ट्रांसपोर्टेशन हो, कृषि विभाग हो, कहीं ना कहीं हर तरह से महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं दिग्विजय सिंह यहां पर दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और ये सर आप सीएम आवास तक पहुंचेंगे जिस तरीके से बिल्कुल दिग्विजय सिंह यहां पर हैं। दिग्विजय सिंह लगातार यात्रा उनके नेतृत्व में निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से दिग्विजय सिंह अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में, हजारों कार्यकर्ताओं की संख्या में तादाद में यहां से बिल्कुल दुर्गेश तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। दुर्गेश, सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय भी मांगा गया है, हालांकि 11 से 1 के बीच काफी बिजी बताए जा रहे हैं। क्या लगता है आज मुलाकात हो सकती है? दुर्गेश, हमारा संपर्क टूट गया है। बाकी ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर। ये बीच में क्यों फंस गया? हेलो मीटिंग है और एक बार फिर से हमारे साथ में संवाददाता दुर्गेश जुड़ गया है। दुर्गेश, 11 से 1 के बीच में सीएम शिवराज सिंह चौहान की कलेक्टर से मीटिंग बताई जा रही है, क्या लगता है कि आज मुलाकात हो सकती है, संभव है? माता जी, माता जी के
बिल्कुल दूसरा जिस तरीके से लगातार प्रदेश में महंगाई की मार पड़ रही है उसी तारतम्य में आज जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वह जिला प्रशासन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत सारे मुद्दों पर भी चर्चाएं की जाएंगी, चाहे वह महंगाई की मार हो या कोरोना समीक्षा में बैठक हो या प्रदेश के जो मौजूदा हालात हैं उनको लेकर भी जिला प्रशासन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त हम जो यह नजारा दिखा रहे हैं यह रोशनपुरा चौराहे का नजारा है जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता हजारों की तादाद में मौजूद है और हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक साइकिल यात्रा निकाली है। साइकिल यात्रा के माध्यम से मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ यह कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि लगातार पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उस तरह से कहीं ना कहीं चौतरफा प्रदेश की जनता महंगाई की मार झेल रही है, इसको लगातार जो बढ़ रहे दामों को उनको कम करना चाहिए। जी बिल्कुल दुर्गेश, और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से भी हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो जो पुलिस प्रशासन सुबह 9 बजे से ही पुलिस का हमला तैनात हो गया था और राजधानी भोपाल के जो में सीएम आवास है, जो सीएम आवास के चारों तरफ पुलिस प्रशासन पुलिस का हमला तैनात कर दिया गया था और साथ ही साथ जो बैरिकेड लगा दिए गए थे वहीं पर यदि हम देखें तो यहाँ पर ऐसे की फोर्स भी है, पुलिस विभाग का हमला भी है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी शक्ति के साथ में मुस्तैद है और लगातार जो जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है इस प्रदर्शन को रोकने के लिए और सीएम आवास तक कांग्रेस इन हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए उनको रोकने के लिए लगातार पुलिस यहां पर मौजूद है। बैरिकेडिंग की गई है सीएम आवास के आसपास में ताकि जो कार्यकर्ता है वह कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए। वहीं पर यदि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरी यात्रा का दिग्विजय सिंह साइकिल से जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं। ज्ञापन देंगे, लगातार जो महंगाई है, लगातार पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते दाम हो रहे हैं उनको कम करने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। उसी के साथ साथ में आप जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता मौजूद है। इसी वक्त में यहाँ पर हमारे साथ एक यूथ नेता है, उनसे जानते हैं कि आखिरकार यह यात्रा सर जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उस पर एक यात्रा निकाल रही कांग्रेस पार्टी बड़े लंबे बाद सड़कों पर। भाजपा सरकार द्वारा जो बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, मूल वृद्धि की जा रही है, आज उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है जनता की मांग पे सड़कों पर उतरी है। हमारी एक ही मांग है कि जो मूल वृद्धि की गई है उसको वापस लिया जाए और जनता को राहत देने का काम किया जाए, ताकि उनको उतना में डालने का काम किया जाए। शिवराज, जब यहाँ पर सरकार पर केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब शिवराज ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर यहाँ साइकिल यात्रा की थी, क्या उसी की चेन को देखते हुए दिग्विजय सिंह ने यह यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, शिवराज जी को हम याद दिलाना चाहते हैं जिस तरीके से कोरोना महामारी के बीच में जनता वैसे ही परेशान है, आपने 11 रुपए का जो नेक देके परेशानी बढ़ाई है उसके विरोध में आज कांग्रेस यहाँ पे सड़कों पर उतरी है जनता के लिए सड़कों पर। बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता है उनका यह मानना है कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों पर वृद्धि हो रही है उसको रोकने के लिए और उसको कम करने के लिए साइकिल यात्रा के माध्यम से। बिल्कुल दुर्गेश, और ये भीड़ देखकर लगता है कि पक्ष और विपक्ष 2 से 3 महीने हो गए हैं लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करता आ रहा है, तस्वीरों को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें और लगातार जो कोरोना महामारी मुख्य रूप से जो फैल रही थी वह स्पष्ट से फैल रही थी और यदि हम यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो स्पष्ट तौर से यह कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है पिछले समय। बिल्कुल दुर्गेश, और कुछ तो लोग इसमें ऐसे भी शामिल हुए हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए रुक करेंगे, एक और बड़ी खबर कल हुई इंदौर से मिल रही है जहां पेट्रोल डीजल के बड़े दाम का विरोध, कांग्रेस ने साइकिल रैली निकाली और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी साइकिल रैली में शामिल हुए। कांग्रेस ने साइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किया है और प्रदेश के अलग अलग शहरों में आज विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी राजधानी भोपाल की, तो वहीं इंदौर में भी पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर साइकिल रैली निकाली जा रही है जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में आज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध देखा जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं और लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उनको कम करने को लेकर मांगे की जा रही है। और साथ ही कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो जनता की आवाज है, जनता की आवाज को कांग्रेस बुलंद कर रही है और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ
नारे भी लगाए जा रहे हैं। चलिए रुक करेंगे एक और।